हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एकता और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही नई चीज कि मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ एंड दिस इज गोना बी आवर फर्स्ट इम्प्रेशन और रिव्यू भी होगा साथ में। तो ये एक नई चीज़ है मेरे लिए एंड दीज आर द क्लीन स्पॉन्ज, क्लींसिंग स्पॉन्ज जो कि मेकअप को रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं, जो कि मैंने अभी फ़िलहाल ही अमेजोन से ख़रीदे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू ही है ये, अभी तक मैंने ट्राई नहीं किए हैं एंड दीज आर फ्रॉम अर्थ रिदम। तो ये एक काफ़ी अच्छी ब्रांड है वैसे स्किन केयर में, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे इसके प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैं ब्रांड यूज़ कर रही हूँ और फर्स्ट टाइम कोई प्रोडक्ट भी यूज़ कर रही हूँ उस ब्रांड से। तो ये दो का सेट था तो मैंने खरीद लिया था, मैंने कहा चलो इसको भी ट्राई करते हैं। बेसिकली इसको क्या है, पानी में भिगो के और जस्ट आपको अपना मेकअप रिमूव करना है, इसमें आपको कुछ भी तामझाम करने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं इसका फुल डिटेल में रिव्यू करने वाली हूँ इस वीडियो में और साथ ही साथ मैं डेमो भी दिखाने वाली हूँ और मेरा ये खुद का फर्स्ट इम्प्रेशन होगा क्योंकि मुझे नहीं पता ये कैसे काम करने वाले हैं, लेकिन मैंने देखा है काफ़ी लोगों को, काफ़ी अच्छी तारीफ भी सुनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में छोटी सी बेल बटन होगी उसको भी हिट कर देना ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे। ये वीडियो अच्छे लगे, थोड़ी सी हेल्पफुल रहे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हैं आप एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आल्सो। विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, थोड़ा सा मैं पास से दिखा देती हूँ आपको, ये रहा वो क्लींसिंग स्पॉन्ज और छूने में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, लाइक आप जो ब्लैंकेट ओढ़ते हो ना सर्दियों में, बिल्कुल वैसा ही कपड़ा मुझको लग रहा है। मैंने वैसे तो दो का सेट ही खरीदा था, ये ब्लैक है ये ब्राउन है, हम इसको ट्राई करेंगे आज। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और डिस्काउंट पे मिल जाएगा, तो मैं इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये आपके फेस पे लगेगा तो ऑफकोर्स हार्श तो होगा नहीं जब इतना सॉफ्ट है तो। एंड जो इसका डिटेल्स दे रखी थी वो मैं जरा आपको बता देती हूँ। दिस इज दी अर्थ रिदम रीयूजेबल मल्टी फंक्शनल मेकअप रिमूवल फेशियल क्लींसिंग पैड और इट इज सेफ फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन ऑल्सो। तो इतने सारे क्लेम्स हैं इसके, तो बेसिकली ये मेकअप रिमूविंग पैड्स ही हैं, आपको कैसा भी मेकअप है वो रिमूव कर देंगे ये इजिली एंड साथ ही साथ ये रीयूजेबल हैं, तो आप इनको वॉश करके दोबारा से यूज कर सकते हैं, आपके कॉटन पैड्स का भी खर्चा बच जाएगा। साथ ही साथ में ये काफी ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है एंड दीज आर वेरी वेरी जेंटल ऑन द स्किन, आपकी कैसी भी सेंसिटिव स्किन हो, इवन सेंसिटिव स्किन वालों को भी काफी अच्छी तरीके से सूट करेगा। सबसे पहले तो मैं इसका प्राइस बता देती हूँ, ये जो पैक ऑफ टू है मैंने खरीदा था ये 250 का और आई डोंट थिंक सो कि ये ज्यादा बुरी डील है, काफी सही प्राइस रेंज पे मुझे ये दोनों पैड्स मिल गए। अच्छा, ये एक नहीं मिल रहा है अगर आप एक खरीदना चाहो, लेकिन हाँ दो का सेट मिल रहा है, चार का सेट मिल रहा है, चलो कोई नहीं, इतना ज्यादा ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में है ये। अब मैं इसको यूज करने का तरीका बता देती हूँ। तो गाइस, सिंपली आपको इसको पानी में सोक करना है, उसके बाद आपको अपने पूरे फेस पे जेंटली मसाज करना है और जेंटली मेकअप को रिमूव करना है, चाहे आपका आई मेकअप हो चाहे कोई सा भी मेकअप हो उसको रिमूव करना है। उसके बाद क्लीन वाटर से इस स्पॉन्ज को धो लेना है और ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, तो ऐसा इसका प्रोसीजर है। सो गाइस, सिंपल मेकअप तो ये रिमूव कर ही देगा आसानी से, लेकिन मेरे आईज पे जो मस्कारा है वो वाटरप्रूफ मस्कारा है और आप जानते हैं वाटरप्रूफ मस्कारा को रिमूव करना कितना मुश्किल होता है, और साथ ही साथ में मैंने लिक्विड लिपस्टिक भी अप्लाई की हुई है जो कि वाटरप्रूफ है। मेरे चार पांच कॉटन पैड्स लगते हैं जब मैं मेकअप को रिमूव करती हूँ और बहुत अच्छे से रिमूव करने के लिए मुझे इतना ज़्यादा मेकअप रिमूवर की भी ज़रूरत होती है, लेकिन ये है अपने पास दिस टाइम और इसे हम यूज़ करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं इसे पानी में सोक करके लेके आती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पानी में सोक कर लिया है इसे और अब मैं आपके सामने जस्ट पहला इम्प्रेशन दिखाती हूँ कि कैसा होगा, होपफुली कि ये अच्छा वर्क करे। सबसे पहले हम लिपस्टिक से स्टार्ट करते हैं। क्या बात है, यू कैन सी एक ही बार में, लाइक एक ही बार में निकल गई ये सारी लिपस्टिक। आई मेकअप देखते हैं,
यू कैन सी ऑल द मस्कारा एंड आई शेडो एंड लिपस्टिक, साथ ही साथ में फाउंडेशन. लिटरली इसने ऑलमोस्ट सारा मस्कारा रिमूव कर दिया. इतना तो यार कॉटन पैड से इतनी जल्दी होता ही नहीं है. आप देख सकते हैं बहुत इजीली निकाल दिया. सो गाइस आप देख सकते हैं कि ये फेस और ये फेस इतनी जल्दी रिमूव कर दिया, लाइक विद इन 9 मिनट्स. बहुत ही ज़्यादा हैसल फ्री है. एंड यू कैन सी सारा मेकअप इस पैड पे है. और गाइस इसमें मेकअप रिमूवर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी. मुझे लगा था मेकअप रिमूवर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसने तो ऐसे ही काम कर दिया. चलिए मैं बाकी का मेकअप जल्दी से रिमूव कर लेती हूँ. सो गाइज आप क्लियरली देख सकते हैं मेरे मेकअप को इसने इतनी अच्छी तरीके से रिमूव किया है ना. मैंने इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था. मुझे लगा था हाँ ये थोड़ा बहुत मेकअप तो रिमूव करेगा ही, लेकिन इसने कंप्लीट मेकअप रिमूव कर दिया. मुझे मेकअप रिमूवर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और हैसल फ्री. इतना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जब मैं मेकअप रिमूव करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं डबल क्लींस जब मैं करती हूँ फेस वॉश, तब भी काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशन और मेकअप रह जाता है. लेकिन इसने तो मेरा कम्प्लीटली फेस ही पूरा क्लीन कर दिया एक बार में ही. मैंने इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था. लाइक आई लव दिस प्रोडक्ट. मैं अब ये सोच रही हूँ कि मैंने इसे पहले क्यों नहीं खरीदा. एंड थैंकफुली चलो फाइनली खरीद लिया. देर आए दुरुस्त आए. मैं तो इसे बहुत बहुत ज्यादा यूज करने वाली हूँ. एंड साथ ही साथ में ये ट्रेवल फ्रेंडली भी है, तो आपको कॉटन पैड्स नहीं ले जाने. आप इसे रख लो बस अपने मेकअप के लिए. और वाटरप्रूफ मेकअप भी रिमूव करता है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बात है. मैं तो इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ गाइस कि प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना. इसको बस क्लीन वाटर से धो लेना है और उसके बाद आपको ड्राई करने के लिए छोड़ देना है. जैसे आप कपड़े ड्राई करने के लिए छोड़ देते हो ना, तो बस वैसे ही. और फिर उसके बाद आपको दोबारा से भी यूज़ करना है. आप चाहें तो इसे मेकअप रिमूवर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक क्लींजिंग वाटर के साथ यूज़ कर सकते हैं. लेकिन ये ऐसे ही इतना अच्छा काम कर रहा है तो उसकी क्या ज़रूरत है. एंड डेफिनेटली बिल्कुल भी हार्श नहीं है मेरी स्किन पे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. एंड मैं इससे बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ. लाइक आई वुड हाईली रिकमेंड टू यू गाइस, प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो. इसने मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था मेरा मेकअप रिमूव होने में, और मुझे बहुत ज़्यादा आलस भी आता था मेकअप रिमूव करने में. तो मेरे लिए तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो मेक श्योर आप जरूर चेक कर लें. आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी. अगर रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर भी कर सकते हैं आप. और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू.